बुजुर्गों को सम्मान के साथ मिलेंगी पेंशन। विधायक चौधरी सुजीत सिंह, जनपद पंचायत बिछुआ के प्रांगण में मध्य प्रदेश शासन निर्देशानुसार पेंशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चौड़ई विधायक सुजीत मीर सिंह चौधरी ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौड़ई विधायक सुजीत मीर सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुजुर्गों के वचन को पूरा किया है। अब प्रदेश में पेंशनधारी को पेंशन राशि सम्मान पूर्वक दी जाएगी। प्रदेश के किसानों को मक्का फसल भावांतर राशि का भुगतान शीघ्र की जाएगी। वृद्धों, कल्याणियों, परित्यक्ताओं, अविवाहितों, दिव्यांगजनों हितग्राहियों को आगामी अप्रैल से 600 रुपये मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद थे। चौरे संवाददाता चंचल इंदौरकर। क्या था और भावांतर के विषय में बताएं। आज जनपद पंचायत बिछुआ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेंशनर्स हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, अविवाहित पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, जिसका नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना लागू की है। उनके लिए जो पिछली सरकार 300 रुपये पेंशन देती थी, उसमें 600 रुपये प्रति माह पेंशन के आदेश आ चुके हैं। तो हमने सभी पेंशनधारियों को बुला करके उन्हें ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी पहल है और उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी जो मक्का के भावांतर की बात हम सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी, तो कल के कैबिनेट की बैठक में उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय किया है और 250 रुपये प्रति क्विंटल की राशि से मक्का का भावांतर की राशि किसान भाइयों को प्राप्त होगी। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद।